नागदा के गांव नायन में महिला बाल विकास विभाग ने बाल विवाह रोका। बिरला ग्राम पुलिस एवं राजस्व अमले ने विवाह को रोकने के लिए परिजनों को समझाइश दी। परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों को लिखित आश्वासन दिया है कि लड़कियों के बालिग होने तक विवाह नहीं करेंगे। इसी दौरान गांव में अन्य स्थान पर हो रहे राजपूत समाज के विवाह पर भी नोटिस दिया गया। नागदा के गाँव नायन में बाल विवाह होने की सूचना पर CDPO पुष्पा राव राठौर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, राजस्व एवं पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश दी कि बाल विवाह गैर कानूनी है। विभाग ने जांच में पाया कि दोनों बालिकाएं नाबालिग हैं। समझाइश के बाद परिजन मान गए और एक साल तक शादी नहीं करने का लिखित आश्वासन दिया। वहीं अधिकारियों ने गाँव में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रम को रोकने की हिदायत भी दी। के अंदर आप बाल विवाह रुकवाने के लिए पहुंचे, क्या है पूरा मामला? सर, हमको यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा जानकारी मिली थी कि यहाँ दो बालिकाओं की शादी हो रही है और दोनों यानी कि बालिकाएँ 18 वर्ष से कम की है। यह जानकारी के अनुसार हम लोग यहाँ आए, पाया गया कि यहाँ दोनों बालिका 18 वर्ष से कम की है। उसके अलावा जो बालिकाएँ हैं है ना, उनका अभी अक्षय तृतीया पे विवाह नहीं करना है, ये कलेक्टर महोदय के सख्त निर्देश है, और फिर भी वो बाल विवाह कर रहे हैं। इसलिए बच्चियों के दोनों के यानी कि माता पिता को समझाइश दी गई और कहा गया कि अभी बालिका एक वर्ष तक इनकी शादियां ना करें। दोनों बालिकाएं छोटी हैं, अगर हमारे कहने पर अगर वो नहीं मानते हैं और अगर फिर भी अगर पता लगता है कि इन बच्चियों की शादियां हो गई है तो उन पर शासकीय जो भी अपनी नियमानुसार जो कानूनी कार्रवाई होगी की जाएगी। थैंक यू।